नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है, पर अन्य सालों से तुलना करें तो इस वर्ष सरकारी महकमा इस बुखार पर कुछ नियंत्रण करने में सफल रहा है। बात अगर लखनऊ की करें तो सीएमओ लखनऊ डॉक्टर मनोज अग्रवाल पूरी रणनीति के साथ डेंगू के विरुद्ध अभियान में लगे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण समस्या पर सी न्यूज भारत पर बोलते हुए सीएमओ लखनऊ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि हम पूरी तरह मुस्तैद हैं, हर नागरिक की जान अमूल्य है, कोई भी परेशानी की बात नहीं, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। डेंगू को लेकर क्या तैयारियां हैं लखनऊ की, क्योंकि लगातार केस बढ़ रहे हैं, हालांकि प्रयास जारी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, आपके मुताबिक क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं और कैसे रोक सकते हैं? उच्च स्तर से लेकर नीचे तक प्रत्येक लेवल पे डेंगू तैयारियां पूरे जोर पे हैं और हमारे लिए कोई इशू नहीं है। थोड़े से केस अभी बढ़े हैं और ये इस समय जो मच्छरदार सीज़न होता है उसमें बढ़ ही जाते हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। डिप्टी सीएम से लेके और नीचे जिला प्रशासन तक सब लोग जो है पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। सारे चिकित्सालयों में बेड रिजर्व हैं, सारी दवाएं उपलब्ध हैं, जांचों की सुविधा हमारी सबसे पेरिफेरल यूनिट यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक उपलब्ध है और हमारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी साथ साथ चल रहा है और 10 तारीख से दस्तक अभियान भी शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक दरवाजे हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाएंगे और यदि कोई रोगी चिन्हित होता है तो उसकी जाँच करा के उसको भर्ती कराने का प्रबंध करेंगे। ये अक्सर देखा जाता है कि इस सीज़न में केस बढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो पिछले कई वर्षों का कंपेरेटिव अभी आकलन किया है, तुलनात्मक आकलन किया है, तो उसमें पिछले वर्ष हमारे जो कुल केस थे वो 2759 थे जी, जो कि अब की बार कुल जनवरी से 600 केस हुए हैं, इसलिए नगर निगम के और हमारे विभाग के प्रयासों से और स्पेशली हमारे जो मोस्ट परिवहन वर्कर्स हैं जैसे आशाएँ या इत्यादि, उनके साथ नगर निगम की टीमों के साथ साथ कार्य करने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है जी। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि यदि कोई और उछाल हल्का फुल्का सा आता भी है तो वो पूरी तरह नियंत्रित कर लिया जाएगा। CHC पे क्या व्यवस्था है, CHC जो खोले गए हैं? सर, CHC पे तो सारी व्यवस्थाएँ वही होती है जी, जो जिला अस्पताल स्तरीय होती है जी, लेकिन चूँकि ये लखनऊ है तो यहाँ पे पेशेंट्स का लोड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जी, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि CHC में भी मरीज को भर्ती करके ठीक कर दें और इसी के चलते हमारे CHC में भी एडमिशन थोड़े से बढ़े हैं, किंतु ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रत्येक मरीज स्वस्थ है, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। हमारी जो कंट्रोल रूम की कॉलिंग मशीन है वो हर 24 घंटे में दो बार सारे अधिकारियों से बात कर ले जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले, जूम कर ले जी, और यदि कहीं पे कोई कमी हो तो उसको तुरंत दुरुस्त कर ले। एक सवाल और रहेगा, डेंगू क्या इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं हो सकता, कोई रोकथाम नहीं सकती है कि हर बार मलेरिया जो तो जीवाणु के सामने बार बार आ जाता है? सर, ये एडीज एप्साइज से होता है, मच्छर का जो खासतौर से घर में रहता है जी। क्या पहले भी होता था ये घरों में? हाँ, पहले भी होता था जी, पहले तो बहुत ही होता था, 2016 में तो बहुत प्रचंड लहर आई थी इसकी जी, लेकिन धीमे धीमे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जी हम लोग पूरी तरह सतर्क और तत्पर हैं जी। जैसे कि JEE का सफाया हुआ है वैसे ही डेंगू का भी एक दिन सफाया हो जाएगा जी। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ रहा था कि डेंगू की वैक्सीन का भी चल रहा है फाइनल फील्ड लेवल ट्रायल जी, यदि वो हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति डेंगू से बच सकता है। ठीक, इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।